हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेश फार्मा कैन टैक्स हाउस। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई फोन में पावर बैंक यूज करना चाहते हैं तो आपको पावर बैंक कौन सा लेना चाहिए। देखिए, नॉर्मल मैं आपको बता दूं, मार्केट में इस तरह के, देखिए, सैमसंग का लिखा हुआ डुप्लीकेट पावर बैंक मिलता है। इसी तरह आपको उसमें लेनोवो का और एमआई का बहुत सारे जो है फेक पावर बैंक आते हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि आप कभी भी, अगर आप मोबाइल में पावर बैंक लेना चाहते हैं, तो कभी भी फेक पावर बैंक न लें, क्योंकि जो फेक पावर बैंक है उसमें जो बैटरी लगती होती है वो एकदम लोकल होती है, और जो कंपनी की पावर बैंक होते हैं उसमें एलजी की लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी अपने फोन में पावर बैंक यूज करना चाहते हैं तो ओरिजिनल पावर बैंक ही यूज करें। इस तरह का जो सैमसंग लिखा हुआ हो या एमआई लिखा हो या लेनोवो लिखा हो, कभी भी इस तरह के डुप्लीकेट पावर बैंक को यूज ना करें, क्योंकि इस डुप्लीकेट पावर बैंक से जो आपके फोन की बैटरी है वो डैमेज हो सकती है, आपका फोन भी डैमेज हो सकता है। क्योंकि आप जो भी मोबाइल लेते हैं वो आपके मोबाइल 10,000, 15,000, 20,000 के होते हैं, और आप क्या है कि पावर बैंक के जो लेने का समय आता है तो आप उस समय कम सस्ता जो पावर बैंक होता है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे तरफ से सलाह है कि आप कभी भी लोकल पावर बैंक यूज ना करें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पावर बैंक लेना है तो आप सोनी जो होता है, सोनी का पावर बैंक वो आप ले सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके अलावा अगर आपको उससे नीचे लेना है तो इस समय एमआई का जो पावर बैंक है वो बहुत ही बेस्ट पावर बैंक है, आप वो ले सकते हैं। उसमें 20,000 mAh की पावर बैंक है, उसमें 12,000 mAh का पावर बैंक है, समथिंग 1,200 रुपये और 2,000 रुपये तक है, मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर आपको उससे सस्ता लेना है तो आप ले सकते हो क्वांटम का, ले सकते हैं इंटेक्स का, ले सकते हैं, और आपको बहुत सारे जो पावर बैंक है सस्ते 5 से 6 हज़ार mAh के आते हैं। रिलायंस का भी आता है, जियो का, वो 600 700 रुपए का, आपको 5600 mAh का मिल जाएगा। तो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप कभी भी लोकल का जो पावर बैंक हो मत लीजिए, क्योंकि देखिए ये आपका, देखिए पावर बैंक में दिखा रहा हूँ इस तरह का, ये लोकल पावर बैंक आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ सैमसंग लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल पावर बैंक नहीं है, ये लोकल डुप्लीकेट पावर बैंक है। और इसके अंदर किस टाइप की बैटरी लगी होती है मैं आपको इसको पूरा ओपन करके दिखा सकता हूँ कि इसमें जो बैटरी लगी हुई है बहुत ही लोकल क्वालिटी की होगी। ये देखिए, ये सेट आपका ओपन हो गया। अब इसमें देखिए, ये आपका दिखा रहे 300 रुपए दिखा रहा है इसमें, लेकिन एक सिंगल ये बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी जो है इसकी कॉस्ट मुश्किल से या 20 या 30 रुपए की आती है, और एक ये नॉर्मल सर्किट लगी हुई है। इस सर्किट की वैल्यूएशन जो है 30 40 रुपए की है। ये आपको सैमसंग के नाम पे 200 250 300 रुपए तक आपको मिल सकता है। अब मैं इसको, इस बैटरी निकाल के भी आपको दिखा दूं कि ये कितना ही घटिया बैटरी है। और इस तरह का जो आप बैटरी यूज करेंगे, देखिए इस तरह से गोल बैटरी इसमें यूज होती है। इसकी सर्किट है, सर्किट आपका मैं निकाल दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स की क्या कीमत होगी आप समझ सकते हैं, 5 10 20 30 रुपए होगी। और ये एक नॉर्मल सर्किट लगा के ये आपको, जितने भी सेलर हैं वो आपको मूर्ख बना सकते हैं। और ये बैटरी आपको मार्केट मिलती है, आपकी जो ओरिजिनल पावर बैंक आते हैं उसमें भी इसी टाइप की बैटरी लगी होती है, लेकिन वो एलजी की बैटरी लगी हुई होती है। तो मेरा कहना है कि आप जब भी पावर बैंक लीजिए, ओरिजिनल लीजिए, फेक पावर बैंक के चक्कर मत पड़िए। क्योंकि आप फेक पावर बैंक लेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो आपका डैमेज हो सकता है, क्योंकि भाई आपकी जो मोबाइल है वो महंगे महंगे हैं। तो मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी यूज करिए इस तरह से घटिया पावर बैंक का यूज ना करें, क्योंकि आपका जो मोबाइल है बहुत ही कीमती है। तो आप मेरे चैनल अवितेश फार्मा टैक्स सॉल्यूशन देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस तरह से जो घटिया पावर बैंक बिक रहे हैं मार्केट में, जो लोग ले रहे हैं 200 250 300, कभी कभी ये 600 रुपए का भी मिल जाता है। तो मेरे तरह से है कि आप इस तरह का कोई भी पावर बैंक यूज ना करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।